नमस्कार, TNN 24 न्यूज में काटोल रिपोर्टर मैं संजय खानवे आपका स्वागत करता हूं। आज काटोल नगरी में महिला शक्ति का कार्य आयोजन किया गया है, उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। उप तालुका प्रमुख, उनसे थोड़ा विचार लेते हैं कि ये विचार इनके मन में कैसा आया। मी पुष्पलता कांबळी, तालुका अध्यक्ष, काटोल, जिल्हा नागपूर। मी महिला शक्तीच्या बद्दल मी अध्यक्ष जोडले आहे। मला सहभाग करा, महिला शक्तीसाठी काहीतरी करायचे आहे आणि करून राहणार आहो। इतके दोन शब्द करून माझे। पुष्पाजी कांबळी जी, इन्होंने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। कांचनजी मार्गनवार, उनसे थोड़ा विचार लेते हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से सपोर्टिंग किया और आपका विचार क्या, ऐसी समस्या है सामने की और सिचुएशन देख के आपने इनके संगठन में बढ़ावा दिया। देखो सर, महिला शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विधवा माता के लिए और डीओसी माता के लिए मदद कर रही है। महिला शक्ति में 6 सुविधा दी गई है, जैसे पानी बिल, इलेक्ट्रिक बिल माफ़ करवा कर होगा और बच्चों की शिक्षा फ्री है और अन्य सेवाएं जो 6 सुविधा उपलब्ध कराई दी गई है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गुलाब जी जायसवाल सर और अनीता मैडम की कड़ी मेहनत के बाद ये विधवा महिला तक ये सुविधा हम सबको पहुँचा, मतलब उन तक पहुँचानी है। देखिए, बहुत अच्छे से विचार है इन लोगों के। मैं भी TNN 24 न्यूज की तरफ से निवेदन करता हूँ सरकार को कि जो भी योजनाएं है वो योजनाएं जल्दी से जल्दी वहाँ से प्रसारित करें। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जायसवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा अनिता सिंह जी जायसवाल जी, महिला शक्ति प्रदेश युवा अध्यक्ष श्रीमान गणेश जी नागपासे सर का, कि इन्होंने यह योजना तैयार की। आज तक हमने देखा है कि जितने भी शासन की योजनाएं आई हुई है हम तक पहुंची है, लेकिन महिला शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी देश में, पूरे भारत में, 29 राज्यों में जितना भी विधवा माताएं बहने हैं, किन्नर है, जो भी डिवोर्सी माता बहने हैं, उनको कुल मिलाकर 6 सुविधाएं दे रहे हैं। भविष्य में ये सोचा गया है कि उनको कोई भी तरह का तकलीफ ना हो,